किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मेरे को डराया, धमकाया इन्होंने, बोला पुलिस आएगी, पुलिस आपको ले जाएगी, उठा के जेल में डाल देगी। और ये सेंटर का काम है, मोदी का लाइन है। करीब 3 महीने से ये किसानों का आंदोलन चल रहा है टेंशन लाइन को लेके, और किसानों ने बार बार मांग करी कि कंपनी अपने कागजात दिखाए और किसानों के खेत में काम करे। कंपनी कागजात छुपा रही थी और प्रशासन के सहारे कंपनी जबरदस्ती किसानों के खेत में पोल लगाना चाह रही थी, लेकिन किसान संगठित हुए, उन्होंने विरोध किया, मुकाबला किया, तो मजबूरन कंपनी को खेत छोड़ के भागना पड़ा। और फिर अधिकारियों को बीच में मध्यस्थता हुई कि हम 2 दिन में कागज उपलब्ध करा देंगे, कंपनी के जो भी MOU के कागज हैं वो, सर्वे की रिपोर्ट, मुआवजे की रिपोर्ट, कौन देगा, कब देगा, नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, कलेक्टर ने क्या आदेश जारी किए, कंपनी किसान को नोटिस दे सकती है नहीं दे सकती है, सारी बातों पर सहमति हुई। लेकिन 2-3 दिन तक प्रशासन ने कोई कागज उपलब्ध नहीं कराए, तो मजबूरन किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और हाईकोर्ट ने भी जो किसानों की मांग थी उन्हीं के अनुरूप, क्योंकि मांग वाजिब थी, जायज मांग थी, पूरा किसान का खेत बर्बाद हो रहा था, तो उसी के अनुरूप हाईकोर्ट ने भी किसानों के पक्ष में फैसला दिया कि कंपनी किसानों को मुआवजा देके ही किसान के खेत में प्रवेश करेगी। यह किसानों की मांग थी। ये मुआवजा लगभग 20 लाख के करीब बनता है, क्योंकि 35 साल तक कंपनी इस खेत को यूज करेगी, प्राइवेट लाइन है, अडानी की लाइन है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग किसानों को मुआवजा मिलेगा, तभी लाइन आगे जाएगी। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज ये किसान सिर्फ खेतड़ी, झुंझुनू और मंडावा तहसील के जुड़े हैं, आगे भविष्य में ये किसान बीकानेर और सूरतगढ़ से, जहाँ से लाइन आई है, सूरतगढ़ से बीकानेर, बीकानेर से चूरू तक के किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे और सब किसानों को उनका मुआवजा दिलवाया जाएगा। एक इसमें जो ये लाइन जा रही है, इसमें SDM साहब से आपकी मीटिंग हुई थी 29 जुलाई 2020 को, तो SDM साहब और जो कंपनी के कुछ अधिकारी थे जिसमें मैनेजर वगैरह थे, तो उन्होंने जो आपकी जो शर्तें थी कि किन शर्तों के आधार पर ये किया जा रहा है, तो उसका अभी तक क्या रिजल्ट रहा है? देखिए, जो शर्तें हमने रखी उनके एक भी कागज़ कंपनी ने मुहैया नहीं करवाए, और जो वाजिब कागज है सबको दिखाने पड़ते हैं नियमानुसार, लेकिन कंपनी कागज छुपा रही है, इसका मतलब इसमें बड़ा घोटाला है। और ये हमने SDM साहब को भी बताया था, प्रेस के माध्यम से जिले की जनता को, प्रशासनिक अधिकारियों को बताया था, लगभग 7,500 करोड़ का इसमें घोटाला है। अभी आप जैसे ये जो किसानों की महासभाएं की जा रही हैं जगह जगह पे, जैसे यहाँ आज जसरापुर, खेतड़ी, मंडावा क्षेत्र के हैं कुछ, ये झुंझुनू ज़िले में चिड़ावा तहसील से जो किसान जुड़े हुए हैं आपसे, तो इनके साथ जो हो रहा है, जैसे कंपनी के कुछ अधिकारियों ने इसके लिए कुछ कहा है या इनके साथ कुछ हुआ है, जैसे इनको धोखाधड़ी की गई है, इनके साथ कुछ चेक वगैरह भी दिए गए हैं, कुछ किसान इनमें भी कह रहे हैं कि हमें 20,000 रुपये के चेक दिए गए हैं, किसी को 22,000 का दिया गया है, तो इस बारे में आपका? देखो, सबसे बड़ी कमी तो हमारे जनप्रतिनिधियों की है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, ना किसी सरपंच को जानकारी है, ना किसी MLA प्रधान इसमें कोई रुचि दिखा रहा है, ना जिले का सांसद है उसके पूरे क्षेत्र में से इस तरीके की लाइन जा रही है, किसानों की जमीन पर डाका डाला जा रहा है। जनप्रतिनिधि ही कंपनियों के साथ खड़े हैं, पहला बड़ा धोखा तो ये है। दूसरे नंबर पे जिला कलेक्टर साहब से हम मिले तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिले में चल रहा है, कलेक्टर की नॉलेज में ही नहीं है। छोटे अधिकारी इस मामले में मैनेज करके कंपनी वालों के साथ साठ गांठ करके काम कर रहे हैं, तो ना तो जनप्रतिनिधि किसानों के साथ खड़े हैं, ना अधिकारी साथ खड़े हैं। ये तो किसान स्वतः जागरूक हो रहे हैं और अपने हिसाब से जब लड़ाई लड़ रहे हैं तब सारी चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं। बहुत बड़ा जिले के किसानों के साथ, पूरे प्रदेश के किसानों के साथ धोखा हो रहा है। भारत में कंपनी राज स्थापित किया जा रहा है, अभी ये लाइनें खींची जा रही हैं। नया 2020 में अभी बिजली एक्ट का प्रावधान अभी रखा केंद्र सरकार ने, दोबारा ऐसा एक काला कानून आ रहा जो किसानों को बर्बाद करेगा। 3 किसानों के जमीन अधिग्रहण के काले कानून आए हैं, अभी पिछले 5-10 दिन पहले उसका पूरे देश में वो हल्ला उठा है। 2 महीने पहले उसको चुपचाप ही गुपचुप तरीके से लॉकडाउन का फायदा उठा के किया, उसमें जमीन से ही किसान को बेदखल करेंगे, कंपनियां जमीन पर खेती करेंगी, भाव जो MSP है वो सारे देश में समाप्त हो जाएगी और कंपटीशन हो जाएगा कंपनियों के साथ। किसान कंपटीशन लड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास जमीन है, जोत है वो छोटी है, कहीं 2 बीघा, कहीं 5 बीघा, कहीं 10 बीघा, तो सारा का सारा कंपनियों के अधीन इस देश को किया जा रहा है। और इसके लिए भी हम 16 अगस्त से हमने पूरी तैयारी करी है, पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, 31 अगस्त को जितने भी सांसद हैं, 550 सांसद हैं पूरे भारत में, उन सब का पुतला दहन किया जाएगा, उसके बाद इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। आपके खेत में भी ये बड़े पोल की लाइन आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है।
मेरे को डराया धमकाया इन्होंने, बोला पुलिस आएगी पुलिस आपको ले जाएगी उठा के जेल में डाल देगी, और ये सेंटर का काम है मोदी का लाइन है, और मेरे को डरा धमका के पिड़ा खा के इस पर साइन करा दी और जुम्मा मंदिर ले ली और मेरा खाता नंबर लिए और आधार कार्ड का नंबर लिए, और मेरे को बहुत ज़बरदस्त डराया जब साहब ने साइन की। अच्छा, डरता साइन किए मैंने। और फिर आपको कुछ मुआवजा दिया कि नहीं दिया? अभी तक मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला। और खेत में काम भी चालू कर लिया? हाँ जी, खेत में काम चालू कर दिया, वो पीड़ा का भी दिया मेरे को, डरा धमका के मेरे को। अच्छा, इस पर साइन कराए कि आपको इसका मुआवजा मिलेगा? मुआवजा मेरे को नहीं बताया, बोला मुआवजा मिलेगा आपको, कितना इनाम दिया। मैं बोला कितना मुआवजा मिलेगा? बोले ये नहीं मालूम, आपकी सरकार जाने तुम जाने। कौन सा गांव है? गांव जसरापुर है। तो आपके क्या पीड़ा है? मेरे पीड़ा ये है कि सर, जो हमारे गांव के अंदर जो प्लांट बन रहा है ये पावर ग्रिड वाला, वो ज़मीन हमारे पूर्वजों की छोटी हुई है। किसके लिए? गोचर के लिए छोटी हुई है, गाय चराने हेतु, और आज उसके अंदर प्लांट बन रहा है तो वो हमारे कोई काम नहीं आ रही है, इसलिए हमें वो ज़मीन वापस की जाए। ठीक है, तो आपको पूछा नहीं क्या कि भाई गोचर की ज़मीन को हम पावर के लिए काम में लेंगे? नहीं, हमारे पास कोई लिखित में नहीं लिया, ना पूछा गया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब आपकी क्या इच्छा, आपके परिवार के लोगों की, आपकी सबकी? हमारी इच्छा ये है कि हमने जिस पर्पज़ के लिए जो ज़मीन छोड़ी थी उस काम के अंदर वो आ नहीं रही, तो हमें हमारी ज़मीन वापस लौटाई जाए। अब इसमें जैसे कुछ किसान हैं जिनको चेक दिए गए हैं, तो उनको चेक दे दिए गए हैं लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उन्हें ना तो फसलों का मुआवजा मिल रहा है सही से, और उन्हें कुछ जैसे 23,000-25,000 के जैसे कुछ भाई हैं यहाँ पे, किसान भाई हैं जिनके साथ ये हुआ है, तो उनके साथ भी न्याय होगा या इसके बारे में क्या है आपका कुछ विचार? तो जो कंपनी से हमने MOU का मांगा है उनसे, तो इसीलिए मांगा है कि ताकि सबको जो भी है नॉर्म्स है उसके हिसाब से सबको बराबर मिले, और पूरा जो साल का है महीने का है उस हिसाब से जो इनका मिलता है मुआवजा, साल का दो बार है फसल का जैसा कि भाई साहब ने बताया पहले, उस तरीके से मिले या फिर महीने के महीने मिले या साल के साल मिले, तो उनको बराबर उसी तरीके से मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, और किसी का जिस तरीके से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पेड़ वगैरह जा रहे हैं, तो उनका उसके हिसाब से एडिशनल होना चाहिए। मेरा गाँव की ठाणो है, तहसील चिड़ावा है, मेरी ज़मीन पड़े मालूपुरा में, तो MA ये कंपनी वाला 22 तारीख ने मेरे खेत में आए हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं के साथ था, और कुछ एक पुलिस वाला साथ था, तो वह कह रहे जबरदस्ती बिना कोई नोटिस का बिना कुछ करे मेरे खेत में मशीन लगा देनी, खुदाई वगैरह शुरू करवा देनी। पूछे ने गया जना साहब गाड़ी में बिठा लेना, बोले हमने बंद कर दो, माने पास 24 तारीख ने ले गए हैं 151 माने बंद करे हैं, ऐ के अंदर ने कुछ मुआवजो फसल बर्बाद की जा रही है, लगभग 5 बीघा ज़मीन बर्बाद कर देनी, उनका मन खाटा खोद खोद के गिर देना, ने कि मी माने कि सूचना दी गई न कुछ और। अब जहाँ जो फसल बर्बाद कर रहे हैं या एक ही बार कौन कर रहे हैं, ये भी करेंगे 3-4 बार दुखी करेंगा, कणा फाउंडेशन तैयार करेंगा, कणा उनके ऊपर पोल खड़ा करेंगा, कणा तार बिछाऊंगा और कणा तार उनके ऊपर लगाऊंगा। कल्ट वाला अधिकारी आएंगे, सब आपको बताएंगे समझाएंगे, और बोलो एकदम पुलिस ने ला कर और ले जाकर टापरान और चौकी में गिर दिया। अच्छा, जाके मैं बोलो कहाँ लिया बुरा जी, कोई ये बुरा कोई मर्डर छोटी करी होना, हमारे खेत में काम करा हाँ, हमारे खेत में जब कोई भी एक हमारे पहले नहीं बढ़े गुआड़ी, पूरा मकान बन रहे हैं और मकान बना रहे हैं और रेंट सेन हो रहे हमारे आज से 30-35 साल से पहले जी। तो ताने ऐ चीज़ के लिए तारी फसलान भी बर्बाद करी जा रही है, करने के लिए तो फूक रहे हैं, आया है रात ने भी आके धमकाया है, रात ने भी 10 बजे रोड के ऊपर ही हुए, और वह बोलो इनको तड़के जेसीबी से इनको छान के आके खोद के गेट दो। ये देखो कोर्ट ने फैसला दिया कि किसान का मुआवजा देने के बाद खेत में काम शुरू करे, तो कंपनी को हमारी बातें बताई हुई है कि जो MOU जिस तरीके तैयार हुआ है उस तरीके से हमें मुआवजा दे, हो सकती है किसान को मुआवजा, क्योंकि किसान दो फसल करता है, एक रवि की और खरीफ की, तो दोनों का ये मतलब साल में 2 बार मुआवजा देने का प्रावधान है, और इसको 2 बार जो कंपनी काम करेगी उसको 2 बार मुआवजा देना पड़ेगा, तभी हम किसान काम करने देंगे, वरना ऐसा नहीं करने देंगे। और अगर फिर भी हमारी शर्तों में नहीं मानते मेगा मजबूर में, फिर हाईकोर्ट ने कहा हम यहाँ कोर्ट में जाएंगे किसान यहाँ की।